एक्सेलरेशन जो है गतिमान एक्सप्रेस का भी काफी जबरदस्त है। जो नॉर्मल डोर्स थे इन्हीं को ऑटोमेटिक डोर्स में कन्वर्ट किया गया है। एज अ पैसेंजर सेफ्टी सही नहीं है। तो भाई जिस चीज के बारे में हम बोल रहे थे ये देखो, झांसी ट्रेन नंबर 12,049 गतिमान एक्सप्रेस जो कि इंडियन रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के झांसी को हजरत निजामुद्दीन से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 403 किलोमीटर 91 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। इम्पोर्टेंट तो ये है और आज इस गतिमान एक्सप्रेस में हम लोगों की जर्नी होने वाली है झांसी से हजरत निजामुद्दीन। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY Vlogs। जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे और झांसी वासियों को तो पता ही है भाई कि एक नंबर के बगल में अपना 7 नंबर प्लेटफॉर्म वहीं से जाती है अपनी गतिमान एक्सप्रेस। यहाँ से रास्ता बाकी भी जा रहे थे तो भैया मिल गए और ये अपनी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो काफी बढ़िया लगा मिलकर। चलो अभी वहां से आ रहे थे तो एक और भाई मिला था, अभी आप मिलकर चलो चलिए बढ़िया है, चलिए मिलते हैं फिर। ठीक तो भाई जर्नी के दौरान ऐसे लोग मिलते हैं तो काफी बढ़िया लगता है। वो भाई जा रहा था अभी क्रिकेट खेलने, वो थोड़ा जल्दी में था तो उसको हमने फिर डिस्टर्ब नहीं किया, यही चले जाओ और उस टाइम स्टार्ट ही नहीं किया था हमने वीडियो बनाना। तो चलो चलते हैं अभी अपने भाई प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है गतिमान एक्सप्रेस। तो ये रही भाई अपनी गतिमान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी हुई है और आज का जो अपना कोच है ये है C3। इसी चेयर कार में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं इस गतिमान एक्सप्रेस में। ये रहा भाई फर्स्ट लुक अपने कोच का C3 का। साफ सफाई हर चीज एकदम जबरदस्त है अभी फिलहाल। तो चलो देखते हैं आज की अपनी सीट कौन सी है। तो भाई ये रही आज की अपनी सीट, सीट नंबर 15 विंडो साइड। और साथ ही गतिमान एक्सप्रेस में भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर रीडिंग लाइट्स हैं हर एक सीट के लिए, यहाँ पर ब्लाइंड रोलर है, साथ में चार्जिंग सॉकेट्स, यहाँ पर स्नैक ट्रे, वाटर बॉटल होल्डर और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सीट भी रिक्लाइन होती है। फिलहाल अभी अपना लगेज रखते हैं ऊपर की साइड में और यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी लगी हुई है कोच के बीचों बीच। और बाकी आज अपनी गतिमान एक्सप्रेस को यहाँ पर हॉल करने वाला है गाजियाबाद शहर का WAP5 लोकोमोटिव अपना इल्लू भाई। बगल से ये अभी यहाँ से डिपार्ट हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बरौनी मेल और उस साइड से एंटर हो रही है अभी ताज एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से आई है झांसी के लिए। चलो चलते हैं बाकी अपने कोच की तरफ वापस पीछे की साइड, कुछ ही देर में होने वाला है यहाँ से हम लोगों का डिपार्चर। तो भाई अपने निर्धारित समय 3:05 पे हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है झांसी जंक्शन से। तो अपने निर्धारित समय से अपनी गतिमान एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अब आपको इस गतिमान एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, फ्राइडे को नहीं चलती है। दोपहर में 3:05 पर निकलती है झांसी रेलवे स्टेशन से और शाम को 7:30 पहुँचा देती है, 7:30 पहुँचा देती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और ये लो भाई साहब अपना C3 का ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये पुराना वाला और ये फ्लाई ओवर नया वाला। जो लोग झांसी से हैं उन्हें तो भाई यादें जुड़ी होंगी इन ब्रिजों से और काफी यादें हैं, कभी फिर बात करेंगे इन ब्रिजेस के बारे में भी। और भाई साहब ट्रेन अपनी जस्ट अभी चली है और निकलते ही ये देखो हाल की हाल स्पीड जो है गेन करनी शुरू कर दी है, 70 से अभी हाल हो गई है 83 और अभी गेन करती जा रही है। तो एक्सेलरेशन जो है गतिमान एक्सप्रेस का भी काफी जबरदस्त है। ये लो भाई सब 90 क्रॉस्ड और देखते ही देखते अभी हाल देखो हम लोग 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। तो एक्सेलरेशन के मामले में गतिमान एक्सप्रेस भी जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त। और ये लो 100 पार। बाकी चलो बाद में हम आपको दिखाएंगे इसकी टॉप स्पीड जब ये टच करेगी। तो ये क्रॉस हो रही है अभी अपनी उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस और बाकी प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के डिपार्चर की जस्ट बाद ही 0.5 लीटर की वाटर बॉटल हम लोगों को सर्व कर दी गई है। इस ट्रेन में आपको 0.5 लीटर की ही वाटर बॉटल मिलेगी क्योंकि छोटी जर्नी है इसीलिए। तो वैसे जर्नी की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था अपनी सीट है आज 15 नंबर, लेकिन 15 नंबर वो दूसरी थी, मतलब थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया होगा इसलिए। वैसे हमारी जो सीट है आज की इस जर्नी में ये है 14 नंबर, ये भी विंडो साइड है और इसी पे पूरी जर्नी होने वाली। ये
2x3 की आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा इसी चेयर कार में, और ये जो दो वाला साइड होता है ना उधर पे अपनी सीट है, वो तीन वाला साइड था उधर नहीं थी, यहाँ पर है अपनी सीट। चलो ठीक है, इधर भी विंडो साइड है और ये ट्रैक्स की साइड वाला है, इधर क्रॉसिंग वगैरह जो है मिलती रहेगी हम लोगों को। तो भाई अभी अपनी गतिमान एक्सप्रेस चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और भाई गतिमान चले और किसी ट्रेन को ओवरटेक ना मारे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी आने वाला है डबरा रेलवे स्टेशन और वहाँ पर खड़ी हुई है लूप लाइन पर पंजाब मेल। पंजाब मेल को अब अपनी गतिमान एक्सप्रेस ओवरटेक मारने वाली है। चलो हाई स्पीड एक्शन दिखाया जाए आपको। तो अपनी इस जर्नी के 99 किलोमीटर कवर करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से अपने पहले स्टॉप पे ग्वालियर जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है इंडर झांसी रेलवे डिवीजन के। और आपको पता है इस रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्कीम के तहत सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि इस रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का काम होना है। अभी आपने देखा जब ट्रेन अराइव हो रही थी तभी वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पर लिखा हुआ था अमृत भारत स्टेशन। वैसे यहां पर अपनी गतिमान एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट और काफी क्राउड अपनी ट्रेन में यहाँ से चढ़ रहा है। वैसे अभी तक अपना कोच ऑलमोस्ट खाली ही चल रहा था। तो भाई एकदम शार्प एकदम परफेक्ट 2 मिनट रुकने के बाद हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है ग्वालियर जंक्शन से। ज्यादा रुकी नहीं ट्रेन, 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 ही मिनट रुकी। वैसे आपको बताते हैं अपनी ये जो गतिमान एक्सप्रेस है, पहले ये नॉर्मल डोर्स के साथ चलती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले इसमें इंट्रोड्यूस किए गए ऑटोमेटिक डोर्स। ये वाले जो नॉर्मल डोर्स थे इन्हीं को ऑटोमेटिक डोर्स में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये पूरा मशीन वगैरह पूरा पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि इनको ऑटोमेटिक डोर्स में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा पैनल लगाया गया है डोर्स के ऊपर, और यहाँ लिखा भी है स्वचालित दरवाजा ऑटोमेटिक डोर, लेकिन भाई ये काम नहीं कर रहे हैं। बीच में जब ये लगाए गए थे तब ये ऑपरेशनल थे, ये काम करते थे, जो कि पैसेंजर सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी कुछ टाइम ही हुआ था इसको इंस्टॉल किए, काफ़ी टाइम पे चला जाता। उसके बाद हमने कुछ टाइम पहले देखा था गतिमान से, जब हम भाई देखा था रेलवे स्टेशन में गतिमान को, तब ऑटोमेटिक डोर्स इसके चल रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया मुश्किल से, मतलब 5-6 महीने पहले की बात है। बट अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, ये जो डोर्स हैं ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टाफ वगैरह से भी पूछा, भी बता रहे नहीं चल रहा है। तो
भाई अच्छी चीज थी, ऑटोमेटिक डोर्स इस तरीके से सभी ट्रेन में हो जाए तो और मजा आ जाए, लेकिन ये शायद हमको नहीं लग रहा उतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि ये जो नॉर्मल डोर्स को इनको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना, क्योंकि होता तो फिर ये अभी भी ऑपरेशनल होता। तो भाई 160 पे चलती है ये ट्रेन, तो इसमें तो और ज्यादा आवश्यकता है। बट भाई ये दरवाजे खराब हो गए अनफॉर्चुनेटली। बट भाई एज अ रेल फैन जो भी इसमें जर्नी करता है या फिर मतलब भाई हाई स्पीड इसको एक्शन कैप्चर करना है उन लोगों के लिए ठीक है, बट एज अ पैसेंजर सेफ्टी सही नहीं है। भाई ग्वालियर जंक्शन निकलने के बाद एक और अभी हम लोगों को ये ड्रिंक सर्व की गई है जो कि है ये नींबू पानी। सही है, मतलब पानी की बोतल अलग और ये आपको अलग एक सर्विस देखने को मिलेगी गतिमान के इसी चेयर कार में। तो ये लो भाई अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चंबल रिवर को, और टाइमिंग की बात करें तो शाम का 4:55 हो रहा है, और साथ ही हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स भी यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। काफ़ी हैवी इवनिंग स्नैक्स है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये है कुलचे, इसके साथ में सब्जी है ये छोले की, साथ ही चाय कॉफ़ी जो भी लेना चाहो वो मिल जाएगा, एक ये बिस्किट का पैकेट, एक आलू भुजिया और हैंड सैनिटाइज़र, और साथ ही ये जो कुलचे हैं ना इसके साथ में एक ये कटलेट भी है। वैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म सर्व की गई हैं, चलो कटलेट टेस्ट किया जाए। सो ये गर्म है और फ्रेश भी है, तो टेस्ट सही लगा कटलेट का। देखते हैं अपना छोले कुलचे टेस्ट करके। तो ये भाई इसका टेस्ट भी सही है, और बाकी इस ट्रेन में क्या है कि जो भी पैकेट वाली चाय होती है ना नॉर्मली जो हम पीते हैं जो प्रीमिक्स आती है वो अवेलेबल नहीं है, एक ये चाय सामग्री वाला ही जो पुराना चला आ रहा है यही है, और बाकी कॉफ़ी ले सकते हो तो अभी हमने बोल दिया इसकी जगह कॉफ़ी देना, ये चाय तो भाई डिब वाली रहती है बेकार एकदम। तो भाई अभी यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स चल ही रहा है, और वहाँ पर ये देखो अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक मार रही है यहाँ पर अंडमान एक्सप्रेस को, और साथ में ये भी यहाँ पर क्रॉस हुई उत्कल एक्सप्रेस धौलपुर जंक्शन पर, यहाँ पर हमारा ओवरटेक और यहाँ से हुई क्रॉसिंग। और ये लो लगे हाथ अपनी जानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस की भी क्रॉसिंग हो गई। तो भैया अभी गर्म पानी आ गया था और साथ ही गर्मा गर्म कॉफी हमने कर ली है रेडी, बाकी अभी शाम हो गई भाई सनसेट हो गया है, अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, और हम लोग भी पहुंचने वाले हैं अभी अपने सेकंड एंड लास्ट स्टॉप आगरा कैंट। दो सौ 17 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद गतिमान एक्सप्रेस से ही आ चुके हैं अभी हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, और बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर आगरा रेलवे डिवीजन, और अपनी गतिमान एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। वही हम देख रहे हैं सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गई आउटर में, क्यों हुई है हम बताते हैं। ये खड़ी हुई है अपनी गतिमान एक्सप्रेस, और बगल में ये खड़ी हुई है झेलम एक्सप्रेस, ये अपने आगे चल रही थी इसको ओवरटेक नहीं कर पाए, इस वजह से अपनी ट्रेन डिले हो गई यहाँ पर, अगर ओवरटेक हो जाता इसका तो फिर थोड़ा सा टाइम पे आ जाते। चलो बाकी चलते अपनी ट्रेन में, हो गया है सिग्नल। तो ऐसे ना तो वैसे भाई ये लो अपना ओवरटेक सक्सेसफुल हो गया झेलम एक्सप्रेस का, वैसे नहीं हुआ बीच में तो आगरा कैंट पे ही हो गया। तो
तो भाई अगर हम आपसे बोलें कि झांसी से दिल्ली के बीच फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो आप कहोगे रानी कमलावती वंदे भारत। लेकिन ना भाई, वो नहीं है। वो है, वो दिल्ली से झांसी, जब दिल्ली से जाती है रानी कमलापति के लिए, तब वो फास्टेस्ट है दिल्ली टू झांसी के लिए। बट झांसी टू दिल्ली कौन सी ट्रेन फास्टेस्ट पता है? यही गतिमान एक्सप्रेस, जो कि पहले इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी और अभी भी आप कह सकते हो उसको इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, क्योंकि 160 किलोमीटर ये अभी भी जो है स्पीड टच करती है और अपनी वंदे भारत भी उतना ही करती है। और अभी यही वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये जो चीज़ बोल रहे हैं ना हम कि भाई वंदे भारत से कम समय ये ट्रेन लेती है, इसलिए ये फास्टेस्ट है झांसी से दिल्ली के लिए। तो भाई जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे थे, ये देखो, झांसी से दिल्ली के लिए देख रहे हैं हम, तो निज़ामुद्दीन तक जाती है अपनी गतिमान और निज़ामुद्दीन तक ही जाती है वंदे भारत। अपनी गतिमान लेती है 4 घंटे 25 मिनट, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस लेती है 4 घंटे 33 मिनट का समय झांसी से निज़ामुद्दीन का। तो यहाँ पर लगभग 8 मिनट का अंतर है दोनों ही ट्रेन में। और जब दिल्ली से आती है तो अपनी गतिमान 9 मिनट ज़्यादा लेती है वंदे भारत से। तो झांसी से दिल्ली के बीच अभी भी गतिमान एक्सप्रेस ही फास्टेस्ट ट्रेन है, इससे भाई प्रूफ हो गया। तो ये देखो भाई, हम क्या रेडी कर रहे हैं पानी से, और ये तो ये क्या है पता है? ये है गार्गिल। अभी हमको गार्गिल करना है ट्रेन में, इसलिए इसको मिला रहे हैं इस कप में। तो ये लो भाई, जिस चीज़ का इंतज़ार था, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर चुकी है अभी हम लोगों की गतिमान एक्सप्रेस। ताबड़तोड़ एक्शन में है। तो सीआर राजधानी क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल तो मिला हुआ है हम लोगों को, बट स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई हम लोगों की यहाँ पे। वही कुछ ही पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन, उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखाते। तो मिरर वगैरह देख लो, सही साठ साफ है, बस थोड़ा बहुत ऊपर से गंदा है, बाकी ठीक है साफ। यहाँ पर आपको हैंड वॉश अवेलेबल मिलेगा, पानी पूरे रास्ते में आई है, खैर जर्नी कितनी बड़ी है आपको पता ही है। तो साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया और होनी भी चाहिए भाई, जानते हो गतिमान इसका अलग ही रुतबा है भाई। ट्रैक्स पे जब चलती है तो प्रायोरिटी टॉप मिलती है इसको। अपने निर्धारित समय से 21 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी गतिमान एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे टाइमिंग में थोड़ा सा लेट हो गई ट्रेन, और खाने पीने की क्वालिटी की और सर्विसेज की अगर बात करें तो भाई साहब ये तो काफ़ी डिग्रेड हो गई है। क्योंकि एक ब्लॉग आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लगभग 2019 में हमने ट्रैवल किया था कोविड से पहले इसी गतिमान में ग्वालियर से निज़ामुद्दीन तक, और तब ना इसमें भाई बहुत बढ़िया जो है केटरिंग सर्विसेज रहती थी, जो मेन्यू रहता था उसमें कुछ पनीर टिक्का वगैरह सर्व किया जाता था। बट अभी आपने देखा थोड़े छोले कुलचे और जो छोले थे ना उसमें छोलों की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, मतलब एक हिसाब से देखा जाए जो पहले जो सर्विस थी
वहां से अब तक में काफी ज्यादा सर्विस डिग्रेड हुई है। और उसके बाद ये जो ऑटोमेटिक डोर्स लगाए गए थे वो भी भाई कुछ टाइम चले और फिर ये बंद होगा, इनका कोई ध्यान अभी नहीं है, कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी टाइमिंग के मामले भाई ट्रेन तो एक नंबर है, उसमें तो कोई भाई कुछ कह ही नहीं सकता है ना, पता ही नहीं लगा झांसी से दिल्ली कब आ गए। बाकी ट्रेनों में पता लगता है टाइम, लेकिन इसमें भाई पता ही नहीं लगता है। तो इस हिसाब से तो ठीक है टाइमिंग के मामले, बट सर्विसेज पहले से डिग्रेड हुई हैं। अभी जो खाना था उसका टेस्ट सही था, ऐसा नहीं है कि बेकार था, लेकिन पहले के मुकाबले काफी डिग्रेड हो गया है, वो चीज़ सबसे बेकार है। एक बार जो लेवल मेंटेन होता है ना उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी ट्रेन का हो, चाहे वंदे भारत का हो, चाहे इसका हो, चाहे राजधानी, चाहे शताब्दी, बट वो चीज़ होती है तब अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपको कैसी लगी आज की जर्नी ये ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और यहाँ पर इंस्टा का देखो यूजर आईडी आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो, वहीं सारे अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।